हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत बार आपने सुना होगा 60 के स्पीड में अपनी गाड़ी को चलाओ, आपकी गाड़ी की माइलेज बहुत अच्छी आएगी। पर ये ना इतना सिंपल भी नहीं होता है। कई बार आप जब अपनी गाड़ी को 60 के स्पीड पर चलाते हो तब आपकी गाड़ी की अच्छी माइलेज भी आ सकते हैं या फिर बुरी माइलेज भी आ सकते हैं, एकदम गंदी घटिया माइलेज आ सकती है। तो आज की वीडियो में आपका थोड़ा बहुत टाइम लूंगा, बहुत वीडियो शॉर्ट बनने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आपको सिंपली बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी गाड़ी को 60 के स्पीड पर चलाकर अच्छी खासी माइलेज ला सकते हो। ये सब कुछ डिपेंड होता है आपके गियर शिफ्टिंग के ऊपर, आपके आरपीएम के ऊपर। अब ये आरपीएम क्या है, ये गियर शिफ्टिंग क्या है, वो आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो तीन चीजें आपको जो मेनली ध्यान में रखनी है वो है आपकी गाड़ी की आपको मेंटेनेंस करनी है अच्छी माइलेज के लिए। साथ साथ आपकी गाड़ी के टायर्स अच्छे होने चाहिए, इनमें आपका टायर प्रेशर भी अच्छा होना चाहिए। एंड तीसरे बात, आपकी गाड़ी का जो एयर फिल्टर है वो भी क्लीन होना चाहिए। आपके पास कोई भी गाड़ी हो, पेट्रोल या फिर डीजल, दोनों में ये जो आज मैं बताने वाला वो लागू होता है। दोनों में आप अच्छी खासी माइलेज अपनी निकाल सकते हो। तो आज की इस वीडियो में लास्ट तक देखना। अब देखो, ये है अपना गाड़ी का एमआईडी। अब इसमें यहाँ पर इसको स्पीडोमीटर कहा जाता है एंड ये है आरपीएम। आपको मैं टेक्निकल बातों से नहीं बताने वाला हूँ, एकदम जुगाड़ू लैंग्वेज से बताने वाला हूँ, जिससे कि एक बच्चा भी समझ जाएगा कि गाड़ी के आप अच्छी खासी माइलेज कैसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पर ये जो आरपीएम है इसके ऊपर आपकी सारी जो माइलेज है वो डिपेंडेंट होती है एंड साथ साथ एक प्रॉपर गियर शिफ्टिंग के ऊपर भी। अब कैसे करना है वो बता देता हूँ। ये ना आपको ये 1, 2, 3, 4 दिख रहे हैं, इनको ना मल्टीप्लाई पर 1000 होता है, मतलब ये 1000 है, 2000 है एंड ये 3000, 4000। अब पॉइंट वन है कि आपको अपनी गाड़ी को 2000 आरपीएम के ऊपर चलाना है। अब 2000 क्यों वो मैं बता देता हूँ। ये जो आपकी सुई है ना, ये ना जितनी हाई रहेगी, मतलब यहाँ तक रहेगी, तब आपकी गाड़ी की पावर तो ज़्यादा आएगी पर माइलेज कम हो जाएगी। ये जितनी नीचे रहेगी, 2000 आरपीएम के ऊपर रहेगी, तब आपकी गाड़ी की माइलेज अच्छी आएगी। कैसे इसको समझना है वो मैं आपके लिए और भी आसान कर देता हूँ। गाड़ी को करते हैं पहले स्टार्ट। जैसे अपनी गाड़ी स्टार्ट हुई, ये देखो आरपीएम ऊपर आ चुका है, गाड़ी का जो अपना इंजन है वो स्टार्ट हो चुका है। अब देखो, जैसे मैं अपनी गाड़ी का जो एक्सेलेरेटर है उसको दबाऊंगा, तब देखना ये अपना आरपीएम भी बढ़ रहा है, मतलब अपनी गाड़ी ज्यादा पावर दे रही है, साथ ही साथ अपनी गाड़ी का जो पेट्रोल है वो ज्यादा जा रहा है। अब यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि जितना आपका आरपीएम हाई रहेगा उतनी आपकी गाड़ी की माइलेज कम आएगी। तो अब मैं आप इसको प्रैक्टिकली कर दिखाता हूँ। हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि 60 स्पीड वाला साथ साथ आरपीएम में जब से बोल रहा हूँ उसका कॉन्सेप्ट एक्चुअल में कैसा है। गाड़ी को मैंने डाल दिया है फर्स्ट गियर में एंड अब अपनी गाड़ी को थोड़ा बहुत आगे उठाते हैं। अब देखो, मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट ना 2000 आरपीएम के ऊपर आ चुके हैं एंड अब मुझे गाड़ी का गियर चेंज करना है, जो कि मैंने गाड़ी को डाल दिया सेकेंड गियर में। और फिर से देखो, मेरी गाड़ी फिर से जब गाड़ी ने अचीव कर दिया है 2000 आरपीएम, तो मैंने गाड़ी को डाल दिया थर्ड गियर में। अभी मैं फिर से वही करूंगा जैसे मैंने पहले किया था, फिर से मैं गाड़ी को 2000 आरपीएम पर आऊंगा एंड अब मैंने डाल दिया अपनी गाड़ी का फोर्थ गियर। अब फिर से मैं वही कॉन्सेप्ट फॉलो करूंगा। इसलिए आपको यही करना है कि गाड़ी को 2000 आरपीएम के ऊपर आपको अपनी गाड़ी का जो गियर है उसको शिफ्ट करना है। देखो, फिर से मैंने गाड़ी को डाल दिया फिफ्थ गियर में एंड अब जो मैं आपको बताता हूँ क्लियर कट ऑफ जो 60 वाला स्पीड वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको, यहाँ पर मेरी गाड़ी 2000 आरपीएम पर है एंड अपनी जो स्पीड है वो 60 है। अब ये वो सही कॉन्सेप्ट है 60 के स्पीड वाला, मतलब आपकी गाड़ी का आरपीएम 2000 पे होना चाहिए एंड आपकी गाड़ी की स्पीड जो है वो 60 पर होनी चाहिए। अब आप ऐसा कंटिन्यूअसली करोगे तो आपकी गाड़ी की माइलेज नो डाउट बहुत अच्छी आएगी। पर आप गाड़ी को थर्ड गियर में डालकर 60 के स्पीड पर चलाते हो तो नॉर्मल सी बात है, गाड़ी का आरपीएम भी हाई हो जाएगा एंड आपकी गाड़ी की माइलेज भी ड्रॉप हो जाएगी। ट्राई करना है गाड़ी को एक प्रॉपर स्पीड पर चलाओ एंड गाड़ी का जो आरपीएम है उसको भी मेंटेन करके रखो एंड स्पीड को भी मेंटेन करके रखो, जिससे कि आपकी गाड़ी की माइलेज नो डाउट बहुत अच्छी आएगी। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक करना है इस वीडियो को। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।